राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पे स्वागत है। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है जयपाल भुल्लर के घर फिरोजपुर, वहां से। दोस्तों आपको बता दें, जयपाल भुल्लर के पिताजी ने पंजाब पुलिस और सारी टीमों पर, जिन्होंने भी जयपाल भुल्लर के एनकाउंटर की जिम्मेवारी ली है, उन पर आरोप लगाया है कि उनके लड़के का जो एनकाउंटर हुआ है वो फेक हुआ है। आज 2 बजे का टाइम था जयपाल भुल्लर के अंतिम संस्कार का। बॉडी कल शाम को आई थी कोलकाता से, 9 तारीख को एनकाउंटर हुआ था 3:30 बजे, तो तकरीबन 3-4 दिन बाद जब बॉडी आई है, और अब भी उसकी बॉडी फ्रीजर में रखी हुई है। उसके पिताजी खुद पुलिस में ASI रहे हैं, इंस्पेक्टर रहे हैं, सर्विस दी है और रिटायर्ड ऑफिसर हैं पुलिस के, पंजाब पुलिस के। उन्होंने बताया कि जयपाल भुल्लर की बॉडी पर जो मार्क्स, जो निशान उन्होंने देखे हैं, उनसे साफ पता लगता है कि मेरे बेटे का फर्जी एनकाउंटर हुआ है। उनका ये भी कहना है कि जयपाल भुल्लर के हाथ में, पसलियों में फ्रैक्चर तक भी हैं, नील पड़ रहे हैं जैसे मारकुटाई हो। जयपाल भुल्लर के पिता श्री भूपेंद्र सिंह जी ने यहाँ तक भी आरोप लगाया कि मेरे बेटे को तो पहले ही पकड़ लिया गया था, और उसके बाद जब कुछ लोगों के नाम उसने उगल दिए तो मेरे बेटे का फर्जी एनकाउंटर किया गया। दोस्तों हमने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ होता है ऐसे गैंगस्टर्स के पीछे। 8 साल से लगातार फरार था। सोचने वाला वो है कि 8 साल से जो इंसान फरार था उसको क्या पूरी पंजाब पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाती? क्या कोई सपोर्ट नहीं थी क्या? जब 2 ASIOं का मर्डर हो गया उसके बाद पुलिस की आँख खुली कि अब हमको ये पकड़ना है, और फिर 20-25 दिन में उन्होंने उन्हें पकड़ भी लिया और एनकाउंटर भी कर दिया। इसी कड़ी में अब सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जयपाल भुल्लर के पिताजी ने मना कर दिए कि मैं जयपाल भुल्लर का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा जब तक सेकेंड पोस्टमार्टम नहीं हो जाता। दोस्तों आपको बता दें, इंडियन लॉ में सेकेंड पोस्टमार्टम का कोई वो नहीं है कानून, बट कई बार बहुत सारी जजमेंट हैं, पिछली मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, हुआ है सेकेंड टाइम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और अगर उससे तसल्ली मिलती है फैमिली को तो जरूर होना चाहिए। पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि पंजाब पुलिस इस टाइम शक के घेरे में, क्योंकि पूरा सिस्टम इस टाइम जयपाल भुल्लर के घर के बाहर खड़ा है, फोर्स लगा रखी है, रास्ते हैं जो वो बैरिकेड लगा कर बंद कर दिए, बस टेडी खड़ी कर दिए वहाँ पर, और DC SDM जितने भी बड़े बड़े जिले के ऑफिसर हैं वो सब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी से कि जयपाल भुल्लर का अंतिम संस्कार अब कर दो। आपको बता दें 9 तारीख को एनकाउंटर हुआ था, कल बॉडी आई है और आज अंतिम संस्कार होना था 2 बजे, जिसके लिए जयपाल भुल्लर का जो भाई है अमृतपाल, बठिंडा जेल में बंद कर रखा है, उसके ऊपर भी पर्चे लगा रखे हैं पुलिस ने। लोग जो वहाँ के हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उसके भाई को भी गलत फंसाया हुआ है। जयपाल भुल्लर की जो खुंदक है, पुलिस ने वो खुंदक अमृत उसके भाई से निकाल रखी है और उसको झूठे पर्चे उस पर डाल रखे हैं। 2 बजे का टाइम था, बठिंडा जेल से सीधा वो शमशान घाट पहुंचा, पर अब तक भी संस्कार नहीं हो पाया है जयपाल भुल्लर का। और उसके पिताजी ने साफ साफ यही बोला है कि मैं खुद पुलिस में रहा हूं और मैं देखते ही बता देता हूं कि एक एनकाउंटर और एक फेक एनकाउंटर में क्या फर्क है, बॉडी के निशान देख के बता देता हूं। जब मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों को फोटो दिखाई जयपाल भुल्लर के एनकाउंटर की, कुलदीप मलिक 25 मेरी आइडिया, आप लोग भी आकर वहाँ पर फोटो देख सकते हो, तो मोस्टली कम से कम 300-400 लोगों को मैं अब तक वो फोटोज भेज चुका हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ, 90% लोगों ने फोटो देखते ही ये बोला है कि ये फेक एनकाउंटर है। दोस्तों सवाल उठना जायज है, बॉडी पे निशान पड़े हुए हैं, क्या जयपाल भुल्लर का फेक एनकाउंटर हुआ है? अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार एक बार पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ यही अपडेट है जयपाल भुल्लर केस में, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, शाम को वीडियो डालेंगे सुखबर से दुर्लभ, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद जय भारत।